नमस्कार, मैं बिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जोरों पर है। हर रोज किसी ना किसी कुख्यात के खिलाफ यूपी पुलिस एक्शन मोड में रहती है। सूबे के मुख्यमंत्री का अपराधियों के खिलाफ साफ संदेश है कि यूपी पुलिस एक बार बोली से समझाएगी और नहीं माने तो दूसरी बार गोली से। शायद इसी वजह से आज उत्तर प्रदेश के अपराधियों में यूपी पुलिस और योगी के सख्त कानून का खौफ साफ नजर आता है, और ये खौफ विकास दुबे के एनकाउंटर वाले कांड से ज्यादा बढ़ गया है। तब से हर एक अपराधी को बाहुबली नेता को पुलिस या एनकाउंटर का डर सताने लगा है, जिसका असर मुख्तार अंसारी की आंखों में साफ देखा गया जब वो चीख चीख कर प्रशासन से गुहार लगा रहा था कि मुझे यूपी मत भेजो वरना मेरी गाड़ी पलट जाएगी, मेरा भी एनकाउंटर कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आज फिर उस बिकरू कांड को याद क्यों कर रहे हैं, तो सुनिए इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बिकरू कांड की न्यायिक जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें पुलिस वालों की विकास दुबे पर मेहरबानी की कहानी एक बार फिर से सामने आई है। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक दूरदंत विकास दुबे पर दर्ज 65 में से 21 मुकदमों की फाइल गायब बताई जा रही है, और इन फाइलों को यूपी पुलिस अभी तक तलाश भी नहीं सकी है। मिली जानकारी के मुताबिक ये मुकदमे कानपुर के शिवली, कल्याणपुर, चौपेपुर और बिलौर में दर्ज थे। हालांकि पुलिस अधिकारी मामले में रटा रटाया जवाब दे रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन वो दोषी सिर्फ दोषी नहीं बल्कि आस्तीन के वो सांप हैं जो अपने ईमान, अपने फर्ज और सबसे बड़ी बात अपने देश से गद्दारी करने वाले गद्दार हैं, जो पुलिस में होने के बावजूद चंद पैसों के लिए अपने ईमान को इन अपराध के ठेकेदारों के पास गिरवी रख देते हैं। आपको बता दें कि बिकरू कांड और गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग ने गठन किया गया था, जिसने 132 पन्नों की एक रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि विकास दुबे और उसके गैंग को कानपुर में स्थानीय पुलिस के साथ साथ ही राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ था, और तो और इसी संरक्षण की वजह से 65 मामलों में नामजद विकास दुबे का नाम थाने के टॉप 10 अपराधियों की सूची में भी शामिल नहीं था। वहीं गैंगस्टर के मददगार के रूप में 37 पुलिसकर्मी जांच में दोषी पाए गए हैं। इनमें 1996 से लेकर 2020 तक वो सभी पुलिसकर्मी शामिल हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं विकास दुबे को कानून के शिकंजे से निकालने का काम किया। इन पुलिस वालों ने विकास दुबे के काले कारनामों पर पर्दा भी डाला था। इसी के साथ जब पुलिस प्रशासन की इस बड़ी लापरवाही और 21 मामलों की फाइल गायब होने के सवाल आईजी रेन से पूछे गए तो मोहित अग्रवाल जी ने क्या कहा, आइए आप खुद सुनिए। नहीं, विकास दुबे प्रकरण में जो भी पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं उनके विरुद्ध लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें 2 पुलिसकर्मी जेल भेजे गए हैं, अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध वृद्ध दंड की कार्रवाई हो रही है, कुछ के विरुद्ध अन्य विभागीय कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कोई भी पुलिस कर्मचारी इसमें यदि उसने कहीं भी विकास दुबे या उसके गैंग के सदस्यों का या अन्य अपराधियों का सहयोग किया है वो किसी भी तरह बचने नहीं पाएगा। तो सुना आपने, एक बार फिर वही घिसा पिटा जवाब। लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि इस मामले में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ क्या एक्शन लेते हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की जिम्मेदारी यूपी पुलिस को सौंपी थी, और आज पता चलता है कि वही यूपी पुलिस अपराधियों का संरक्षण कर रही थी। जिस विकास दुबे ने उन्हीं के पुलिस भाइयों को बेरहमी से एक रात में ही मौत के घाट उतार दिया, ये लोग उसी को बचाने की कोशिश में लगे थे। खैर, अब देखना होगा कि इस मामले में आगे और क्या क्या निकलकर सामने आता है और कौन कौन से बड़े अधिकारी इस लापरवाही से लगी आग की जद में आते हैं। खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।